हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉम एंड एंजल्स। तो देखिए, आज हम प्रोपेगेट करने वाले हैं बहुत सारे प्लांट्स। ये है पोटैटो। पोटैटो के पास ये देखिए छोटे छोटे प्लांटलेट्स आ गए हैं आई पे, और हम इसे एक ट्रांसपेरेंट जार पे प्रोपेगेट करेंगे सो दैट वी कैन सी द ग्रोथ। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैं ट्राई कर रही हूँ, और इसके नीचे हमने एक होल कर दिया है ताकि वाटर, एक्सेस वाटर निकल जाए। और देखिए, मैंने इसको हल्के से सॉइल के साथ सिर्फ सबमर्ज कर रही हूँ, अंदर दबाना नहीं है। प्लांटलेट्स आराम से ग्रो करेगा, मुझे रूट्स की ग्रोथ सब नज़र आएगी। मेरे साथ अनायशा भी थोड़ी बहुत प्लांटेशन में मदद कर रही है। और देखिए, मेरे पास कुछ ज़्यादा अभी टूल्स नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ एक नाइफ़ की मदद से ही सॉइल को लूज़ कर रही हूँ। और इसमें भी मैं प्रोपेगेट करने वाली हूँ अपने जो लेफ़्ट ओवर पोटैटोज़ हैं। पोटैटोज़ जो होते हैं वो इजी होते हैं कल्टीवेट में, आप आराम से इन्हें कल्टीवेट कर सकते हैं। शौकिया तौर पे करती हूँ मैं, मुझे कोई प्रोपेगेशन से कुछ क्रॉप वगैरह नहीं करनी, तो मुझे भी सिर्फ इन्जॉयमेंट या बच्चों की मस्ती के लिए, बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ। तो इसे हम स्टेम प्रोपेगेशन कहते हैं, बिकॉज ये स्टेम प्रोपेगेशन है, एक स्टेम है, इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो एक स्टेम है क्योंकि स्टेम से ही रूट्स और वो निकलते हैं। देखिए, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, बताइए क्या है ये? जिंजर। सो जिंजर जो है, इसको भी मैं ले रही हूँ, इसके भी आपको दिख रहे होंगे कुछ नोड एरियाज। इन नोड एरियाज को भी मैं डिगिंग कर रही हूँ, और आराम से हल्के हल्के सॉइल की मदद से मैं सिर्फ अपर पार्ट जो है उसको, जो नोड पार्ट है उनको बाहर रख रही हूँ हल्का सा। और मेरा जो जिंजर है वो 1 ईयर में रेडी हो जाएगा, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर टिल दिस मंथ। तो एक ये भी प्रोपेगेशन हमने करा है, सेकंड प्लांट जिंजर। और आज हम एक और क्रॉप को भी प्रोपेगेट करेंगे, ये है मिंट। मिंट जो है आप मार्केट से जब लाते हैं तो उसे आप क्या कीजिए, उसको आप या फिर पानी में डुबा के रख दीजिए, तो भी रूट्स आ जाएंगे कुछ टाइम में, और या फिर आप सीधा उन्हीं को, स्टेम को आप सॉइल के अंदर ऐसे डाल सकते हैं। आई मीन थोड़ा सा बरी करना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा रूट्स, तभी इनिशिएशन होगा। तो देखिए, मेरे तो सिर्फ रूट्स सारे के सारे ऐसे ही आ गए जब मैंने थोड़ा प्रोपगेशन करा। ये है थर्ड प्लांट, फोर्थ प्लांट, दैट इज़ मनी प्लांट। मनी प्लांट को देखिए, नोड एरिया, ये एक बहुत अच्छा मनी प्लांट है जिसके सारे लीव्स ग्रीन कलर के ही हैं। मैंने नोड प्लांट्स जो हैं, नोड पार्ट जो है उसको सॉइल में सबमर्ज कर दिया है। यूजली मैंने मनी प्लांट्स अभी तक वाटर में ही करे हैं, बट ये बहुत ईजी वे आउट है, बड़ा ईजी है। तो फिर ये मेरे पास है स्पाइडल प्लांट। स्पाइडल प्लांट जो है उसके बुलबिल्स आते हैं स्पेशली इन मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आप ये बुलबिल्स को लीजिए, और ये है प्रेजेंट्स केंशिया। इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, ये भी बहुत प्यारा प्लांट है, सिग्नोनियम, और ये भी बहुत सुंदर डेकोरेटिव प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। मैं ये भी सब स्टेम के कटिंग से ही लगाए हैं सारे के सारे प्लांट्स। तो ये मेरे हैंगिंग पॉट्स में हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, ये स्पाइडर प्लांट का बिल है। मैंने कुछ प्लांटर आपके साथ शेयर किया था, बनाया था, मेरी एक वीडियो में है, तो आप आराम से उसको भी देख सकते हैं। ये स्नेक प्लांट है, सेंसिवेरा प्लांट, स्नेक जैसा लग रहा है, देखो। ये भी स्टेम से कटिंग से ही आराम से लग जाता है। देखिए, मैंने बहुत सारे कटिंग के थ्रू ही प्लांट्स बनाए हैं। सो ये भी एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे प्लांट्स मैं दिखाऊंगी आपको एक दिन अच्छे से, जो मेरा छोटा सा एक लॉबी गार्डन है। तो ये बुलबुल्स को मैंने प्लांटर्स में लगाया है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए, ये प्लांटर है मेरा जो हमने आइसक्रीम के कप से बनाया था, बहुत सुंदर लगता है। और जो प्लांट है वो हमारा ये है, इसमें हम कर रहे हैं गार्लिक। गार्लिक को आप ऐसे डाल दीजिए, ऐसे ही ये मैंने दो बल्ब्स डाले हैं इसमें, तो ये आपका रेडी हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द गार्लिक। सो गार्लिक का हमेशा याद रखिएगा, ये जो टेल पोर्शन है इसको अप रखना है, और ये जो नीचे का पोर्शन है इसको नीचे रखना है, ठीक है? लाइक दिस।
तो ये देखिए ऐसे तो ये ग्रो करेगा आराम से। तो ये हमारा लगेगा है पॉट। पॉज 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 अगेन, अगर आपको चिलीज को उगाना है घर में आराम से, आप चिलीज को स्प्रेड कर सकते हो पॉट में, और फिर बाद में जो प्लांटलेट्स आते हैं उन्हें आप आराम से यहाँ भी उगा। देखो ये देखिए, ये है चिली का पॉट। सो गाइज, ऐसे ही खुश रहिए, फ्लावर्स की तरह खिलते रहिए, इंजॉय कीजिए हमारे बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारी मस्ती। टिल देन बाय बाय, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। बाय बाय।